नमस्कार, मैं प्रिया। धरातल 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस बजट के जरिए 60 लाख नौकरियां भी पैदा होने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि LIC के IPO पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का विनिवेश किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोरोना के आज 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि टेंशन बढ़ा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,192 लोगों की मौत हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 2,54,076 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट भी अब 11.69% हो गई है। सेना में करियर बनाने के इच्छुक बच्चों के लिए दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेज प्रोपेटरी स्कूल स्थापित करने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्कूलों को लॉन्च किया जा सकता है। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल में दाखिला लेकर सेना में भर्ती होने की तैयारी कर सकेंगे। आज पेश हुए बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर बजट को आम लोगों के लिए अच्छा नहीं बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार का जीरो सम बजट ये रहा है और वेतनभोगियों के लिए, मध्यम वर्ग और गरीब युवा, किसान और MSME के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। रक्षा मंत्रालय एक नई पहल के तहत ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा लेने वाले रिटायर्ड सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए मंगलवार को दवाओं की होम डिलीवरी शुरू करने वाला है। आज संसद में पेश किए गए बजट के बाद सफर की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लोगों की रफ्तार बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण ने हाईवे और रेलवे से संबंधित कई ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 22 और 23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा के हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के सालाना अकादमिक कैलेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये सब तब हुआ जब इस कैलेंडर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री का फोटो प्रकाशित किया गया, लेकिन उसमें चौधरी चरण सिंह का फोटो नहीं लगाया गया, जबकि विश्वविद्यालय का नाम ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। इन कैलेंडर की तस्वीरें सामने आते ही किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा है। बजट भाषण में आज निर्मला सीतारमण ने किसानों की सहूलियत के लिए कई ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा, किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा, इसमें फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के लिए कुछ अन्य ऐलान भी किए। आज बजट में युवाओं को 16 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। कहा गया है कि इस बजट में अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। दावा है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। इस बीच निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएगी। मुंबई पुलिस ने विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिंदुस्तानी भाव पर सोमवार के दिन राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के पास हुए छात्रों के प्रदर्शन में संलिप्त होने का आरोप है। हिंदुस्तानी भाव पर आरोप है कि उसने छात्रों को भड़काया और छात्रों के प्रदर्शन के पीछे हिंदुस्तानी भाव का भी हाथ है। भाव पर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील करने का आरोप है। यदि आप कोई पुराना वाहन खरीद रहे हैं तो गाड़ी के साथ साथ बीमा भी तुरंत आपके नाम करा ले, अन्यथा किसी तरह की चोरी या नुकसान होने पर बीमा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने वाहन चोरी पर इसके मालिक को बीमा का लाभ देने से इनकार कर दिया है, जिसकी जानकारी अब निकल करके सामने आई है। कई राज्यों में सर्दी का कहर जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिए हैं कि अभी ठंड का सितम और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सर्दी फिर से लौटेगी। इसके साथ ही बुधवार से कई इलाकों में फिर से बारिश हो सकती है। इसी वजह से कई जगहों पर अगले कुछ दिनों में दिन के तापमान में और कमी आने की संभावना है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस में गिरावट के साथ ही कोविड प्रतिबंधों में ढील मिलने लगी है। देश के 2 राज्यों में सोमवार से ही स्कूलों को खोल दिया गया है। इसके अलावा कम से कम 9 राज्य ऐसे हैं जहां मंगलवार से स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। पिछले साल क्रिसमस से शुरू हुए शीतकालीन अवकाश के बाद ज्यादातर राज्यों में स्कूल नहीं खोले गए थे। इस बीच कोरोना वायरस के मामलों में उछाल भी देखने को मिला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण को निलंबित कर दिया है। इस जमात इस्लामी द्वारा नियंत्रित चैनल सोमवार दोपहर को बंद हो गया। इसके संपादक प्रमोद रमन ने दोपहर में मंत्रालय के फैसले की घोषणा करते हुए टीवी चैनल पर कहा कि उनकी कानूनी टीम इस पर और जानकारी अधिक हासिल कर रही है।
कर्नाटक के बेलूर, हिलबिड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को साल 2022-23 की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। होयसला के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है और मानव रचनात्मक प्रतिभा के उच्चतम बिंदुओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश की समृद्धि, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती दिनों दिन जिस तरह से सामने आ रही है, उसे देखते हुए सरकार ने भी अब इससे निपटने की मुहिम को और तेज करने के संकेत दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जलवायु परिवर्तन को पहली बार एक नए अध्याय के रूप में शामिल करके सरकार ने इसकी गंभीरता को भी सामने लाया है। वैसे भी COP26 में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, उसमें साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी शामिल है। केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके तहत अवर सचिव स्तर के नीचे के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट है। वहीं दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने पर छूट प्रदान की गई है। ये आदेश कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग कानून की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में केंद्र सरकार के जवाब दाखिल न करने पर सोमवार को गहरी नाराजगी प्रकट की। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 7500 रुपए जुर्माना लगाया है और 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज पढ़ने के कथित व्यवधान को लेकर हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने पर सोमवार को तैयार हो गई है। ये याचिका राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब ने दायर की है। उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 11 महीने का बकाया वेतन दिलाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में अपील की गई है कि केंद्र उत्तर प्रदेश और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को दैनिक वेतनभोगियों के कल्याण के लिए रिपोर्ट बनाने को समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि वन क्षेत्र में कार्य करने वाले इन कर्मचारियों को प्रतिदिन कार्य के दौरान तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई वोटिंग से भारत ने अनुपस्थिति रहकर एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो अपने कूटनीतिक हितों पर दो टूक फैसला करता रहेगा। वोटिंग से भारत के अनुपस्थित होने की एक तरह से रूस के साथ उसके रणनीतिक रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर छाया पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। सेबी ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी और राकेश गिरधर लाल गजेरा को पूंजी बाजार में 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। गीतांजलि जेम्स मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर 2.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें 2 साल के लिए गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्य लेनदेन से रोक दिया गया है। भारत में करोड़ों लोग इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इस पर कई आपत्तिजनक सामग्री भी पोस्ट की जाती है। इस बीच इंटरनेट मीडिया कंपनी मेटा ने कहा है कि दिसंबर में 13 श्रेणियों के तहत फेसबुक ने 1,93,00,000 से अधिक आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। कंपनी की मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया है कि फोटो साझा करने के मंच इंस्टाग्राम से 12 श्रेणियों के तहत 24,00,000 कॉन्टेंट हटाए गए हैं। चीन की क्रूरता दुनिया भर में मशहूर है और अब एक बार फिर से इससे जुड़ा मामला सामने आया है। आपने बीते दिनों मीराम तारोन के बारे में सुना होगा। वहीं 17 साल का लड़का जिसे अरुणाचल प्रदेश से किडनैप किया गया था, ये किडनैपिंग गुंडे मवालियों ने नहीं बल्कि चीन के सैनिकों ने की थी। भारतीय सेना की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार मीराम अपने परिवार के पास लौट आए हैं, लेकिन उनके पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे को चीनी सेना ने बिजली के झटके दिए और उसके साथ खूब मारपीट भी की। मीराम को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को उसके प्लेटफॉर्म से न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाने पर कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने ट्विटर पर बरसते हुए कहा कि वो उसके आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि आप या तो भारतीय कानूनों का पालन करें या फिर अपने बैग पैक कर यहां से निकल जाएं। कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी तरह से अवमानना का केस है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला की आज पुण्यतिथि है। देश के कई सेलिब्रिटीज, नेता और आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, दुनिया भर के लिए प्रेरणा स्रोत हम बहादुर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं, उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। डिजिटल दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यूक्रेन मसले पर मोदी सरकार के समक्ष गंभीर कूटनीतिक चुनौती भी आन खड़ी हुई है। मोदी सरकार के सामने नए पुराने दोस्त में चयन का अहम संकट है। गौरतलब है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में विगत दिनों चीन ने रूस के पक्ष में अपील कर भारत के लिए दोनों में चयन की कूटनीतिक चाल चल दी है। ऐसी स्थिति में भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मसले पर हुई वोटिंग से दूरी बनाए रखना ही उचित समझा।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज का आगाज 6 फरवरी से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद 16 फरवरी से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में तीनों T20 मुकाबले खेले जाएंगे। 16 फरवरी से खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। T20 सीरीज के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 75% दर्शकों की उपस्थिति की अनुमति दे दी है। देश के हर नागरिक के पास आने वाले वक्त में एक डिजिटल आईडी होगी। यह एक ऐसी आईडी होगी जिसमें आधार से लेकर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट नंबर आदि एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको आधार, पैन या लाइसेंस के वेरिफिकेशन को लेकर अलग अलग आईडी देने की आवश्यकता नहीं होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिंसेस जारा, कुंदन साजवान, राम सरोवर यादव, रघुनाथ प्रसाद, नुन्नू कुमार, बैद्यनाथ ठाकुर, प्रिया यादव, मुन्ना यादव, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुमार राजेश, विनोद कुमार राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज पेश किए गए बजट से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।